कि जो सरकार का जो जल नल योजना है, ये जल नल योजना की पानी की सप्लाई पूरे टंकियों के माध्यम से जल्दी किया जाए। इसमें अगर देखा जाए तो ये जल नल योजना में सबसे अधिक भ्रष्टाचार अगर प्रदेश के अंदर कर रही है तो ये जल नल योजना में है। और जल नल योजना एक तरह से कथित भ्रष्टाचार का जननी है। और वह ये पानी का सप्लाई अभी गांव-गांव में नहीं हो पा रहा है, न घर घर पहुंच रहा है। दूसरा मैंने कहा है कि जो इंडिया मार का जो हैंडपम्प है वो स्थान स्थान पर हर गांव के चौक चौराहे पर लगाए जाएं, जिससे कि गांव के लोग सामूहिक रूप से वहां से पानी ले सकें। तीसरा हमने कहा है कि स्थान स्थान पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि या सरकार के आपदा प्रबंधन से गांव-गांव में ये जो क्या बोलते हैं समरसेबुल गड़ा करके गांव के 500 की आबादी पर एक कम से कम समरसेबुल दिया जाए, जिससे कि लोग पानी पीने में और नहाने की पानी आते हैं सर, पानी की व्यवस्था हो जाते हैं। जिलाधिकारी ने हैंडपम्प की व्यवस्था करा दिए हैं और उसके बाद पानी के लिए टैंकर भी जा रहा है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। आप जिलाधिकारी से मिले हैं, इस पर सर क्या सर आप उनसे? देखिए, पानी की समस्या इस पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है और पानी एक ऐसा है कि पानी के बिना रहा नहीं जा सकता है। अब गांव-गांव में लोग पानी के लेकर के सुबह से लाइन लगा देते हैं, जिसके घर में समरसेबल है, यानी समरसेबल नहीं है तो कुछ किलोमीटरों में मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, साइकिल से लोग पानी ढोने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी त्राही त्राही मचा है इस जिले के अंदर और बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में अगर देखेंगे तो पानी की किल्लत जबरदस्त जिले में फैली हुई है। खासतौर से मैं दिनारा की बात करूंगा, जहां से मैं चुनाव लड़ा हूं, वहां पर तो गांव-गांव में लोग एकदम आप समझिए कि पानी के बिना लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। गांव से लोग पलायन होना शुरू हो गया, दूसरे गांव में भागना लोग शुरू कर दिए हैं। यह एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है। मैं डीएम से आज पटना से पार्टी की बैठक करके मैं आज दो भाग के आया, यहाँ पानी की समस्या को लेकर अभी डीएम से मैं मिला हूँ। डीएम ने कहा है कि हम इस समस्या को निराकरण करते हैं। मैंने चार हल बताया है कि जो सरकार का जो जल नल योजना है, ये जल नल योजना की पानी की सप्लाई पूरे टंकियों के माध्यम से जल्दी किया जाए। इसमें अगर देखा जाए तो ये जल नल योजना में सबसे अधिक भ्रष्टाचार अगर प्रदेश के अंदर कर रही है तो ये जल नल योजना में है। और जल नल योजना एक तरह से कथित भ्रष्टाचार का जननी है। और वह ये पानी का सप्लाई अभी गांव-गांव में नहीं हो पा रहा है, न घर घर पहुंच रहा है। दूसरा मैंने कहा है कि जो इंडिया मार का जो हैंडपम्प है वो स्थान स्थान पर हर गांव के चौक चौराहे पर लगाए जाएं, जिससे कि गांव के लोग सामूहिक रूप से वहां से पानी ले सकें। तीसरा हमने कहा है कि स्थान स्थान पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि या सरकार के आपदा प्रबंधन से गांव-गांव में ये जो क्या बोलते हैं समरसेबुल गड़ा करके गांव के 500 की आबादी पर एक कम से कम समरसेबुल दिया जाए, जिससे कि लोग पानी पीने में और नहाने की और पानी की उचित व्यवस्था हो सके। चौथी हमने कहा है कि सरकार